एट द व्यू, ये देखो भाई। तो पिछली वीडियो में जो पहला कमेंट किया वो किया क्रेजी अबाउट फ्रेंड ने, और जो दूसरा कमेंट किया वो किया फ्रीक मेहरान ने, और जो तीसरा कमेंट किया वो किया है मनीष नेगी UK12 ने। तो थैंक यू सो मच यार कि आप इतना प्यार देते हो ना, मतलब। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इब्रार व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। एक दिन से वीडियो नहीं चढ़ा पा रहा था, एक्चुअली घर पे फंक्शन था जिस वजह से वीडियो आ नहीं पाई थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने एक मस्त सी जगह पे। भाई काफ़ी उन्हें कवर कर लिया होगा लेकिन मेरे चैनल पे पहली बार आएगा। मैं जा रहा हूँ गुलडंडा, गुलडंडा में पड़ी हुई है बर्फ़। तो भाई बर्फ़ जाए, बर्फ़ के नज़ारे लेंगे जाके मज़े। और मैं दिखाता हूँ भाई व्यू मेरे घर के, मतलब थोड़ा सा नीचे आके देखो भाई, देख पा रहे हो भाई नीचे नदी है, इतना मस्त व्यू है ना यहाँ से। पीछे देख रहे हो झरना, छोटा सा झरना लेकिन कितना तगड़ा लग रहा है। आज हम लेके जा रहे हैं अपने चाचू की स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो का अपडेट दिया भी था लेकिन मैं बता नहीं पाया था कि क्या क्या मॉडिफाई किया था। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा जिसमें मैंने अपनी बाइक की पहली सर्विस करवाई है ना, तो उसके बाद बताया था कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, तो उसके बाद व्लॉग डाल नहीं पाया था। बनाए भी थे व्लॉग लेकिन हाँ डाले नहीं थे मैंने, यार पता नहीं क्यों किस रीज़न से नहीं डाले। एकदम मस्त वाली मॉडिफिकेशन की बात, इंटीरियर कुछ नहीं करवाया था लेकिन हाँ इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करवाया था। मतलब भाई यहाँ पे देखो छत पूरा हमने ऐसे में करवा दिया था, और पिलर्स भाई यहाँ तक फ्लोरिंग तक ये करवा दिया था। और देख रहे हो ये भाई बाहर से कवर कोई लगा, एक्चुअली में जो पाइनर के ओरिजिनल स्पीकर हैं वो लगाए हुए, लेकिन ये बाहर से लगवाना पड़ गया था क्योंकि इसके साथ कवर नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थे जुगाड़ करके ऊपर से लगवाया। तो भाई ये देखो पूरे डोर्स पे ऐसे करवाया हुआ है। तो ये रहे सिराज साहब, ये अपना बावर्ची याद है सबको। तो भाई ये देखो कितना मस्त है ना, पूरे सीट पे ऐसे बनवा दी थी, पूरा मतलब हर जगह पे पूरे फ्लोरिंग पे करवाया, डोर्स पे करवाया था, अपने अपने टाइम का टॉप मॉडल। और ये द वन एंड ओनली जिसने पार्टी नहीं दी थी, बर्थडे पार्टी अभी तक नहीं दी है इसने। तो भाई कोई बड़ी पार्टी पेंडिंग होगी इसके। तो भाई ये देखो कुछ यहाँ पे लगाई है रोल्स रॉयस, दरवाजा खुलता है इसका, बैठना है आ जाओ। तो भाई बाकी काम डैम्पिंग शैम्पिंग पूरी करवा दी थी खिड़कियों की, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी भाई लोग आ रहे हैं, तो भाई लोग आएंगे तो सारे बैठ के फुर होते हैं यहाँ से। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, और हमने ली हैं दो गाड़ियाँ, मतलब एक स्कॉर्पियो ली और एक लिया स्विफ्ट डिज़ायर। तो हमारे मतलब पूरी फैमिली जा रही है साथ में। तो अभी हम जा रहे हैं गुलडंडा, क्योंकि गुलडंडा में पड़ी हुई है बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं नालठी, और ये भाई साहब के फ़ोन से हम शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे GoPro डेड हो चुका है। तो वो देख रहे हो सामने पहाड़, वहाँ नहीं दिखेंगे यार, वो देखो वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको सामने जिनमें बर्फ़ दिख रही है आपको, ये है मतलब सनबाई कहते हैं इसको यहाँ पे। और इसके साथ जो इस तरफ है वो अगर दिख रहा हो आपको, इसमें जो मोड़ है वहाँ पे वो है पदरी का लास्ट मोड़, मतलब वहाँ से स्टार्ट है पदरी। तो है गुलडंडी में बर्फ़ है भाई, बर्फ़ होनी चाहिए उसी लिए हम जा रहे हैं। तो बाकी यार बालों का बताओ मेरे को, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि बालों में क्या करना है, आप बताओ यार, कर्ल करवाऊँ स्ट्रेट करवाऊँ, जो आप कहोगे वो मैं बालों में करवा दूँगा। एक्चुअली मेरे नेचुरली थोड़े थोड़े कर्ल हैं बालों में, तो मैं सोच रहा हूँ कि कर्ल करवा दूँ, अगर आप कहते हो स्ट्रेट करवा दूँ मैं स्ट्रेट करवा दूँ। तो लास्ट टाइम ने मेरा फ़ोन टूटा था ना, मतलब ये सामने जो लोकेशन दिख रही है यहाँ पे आके मेरा फ़ोन जो टूट गया था। तो ये है ठंडेरा, और हमने जाना है इधर से आगे जाके आएगा गुलडंडा। ऐसी लोकेशन पे आ गए हुए, बर्फ इतनी ज्यादा कोहरा लगा हुआ है रोड पे। मैं दिखाता हूँ यहाँ की स्पेशलिटी, मतलब इस पॉइंट पे रुके क्यों हैं, दरवा का व्यू पॉइंट, और मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो भाई दिख रहा है आपको, जो सामने आपको दिख रहा है ना ये है भदरवा का व्यू, क्या तगड़ा लग रहा है। सामने लगी है अपनी गाड़ी और सामने लगा है कोहरा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी तेज गए ना तो समझो गए। तो यहाँ पे पड़ी है बर्फ भाई, बर्फ देखोगे, अरे भाई हार्ड वाली बर्फ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उठने वाली है नहीं। तो अरे कुछ ऐसी है बर्फ यहाँ पे अभी भाई, ये पढ़ाकू बच्चे भी हमारे साथ आए हैं आजकल, 1 घंटे में से 20 घंटे खाली लाइब्रेरी में बैठते हैं। तो ये गाड़ी लेके आए हैं हम, तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे, पीछे देखो वहाँ पे देख रहे हो भाई, ठंड इतनी ज़्यादा है, जैकेट उतार दी थी गाड़ी में, एक्चुअली गाड़ी में थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी लेकिन अब भाई फिर से गर्मी लगना शुरू होगी, मतलब गर्मी बोलूँगा भाई, मतलब गाड़ी मेरे को ठंड लग रही थी, गाड़ी में गर्मी लग रही थी यार, गाड़ी में लग रही थी गर्मी और यहाँ के फिर ठंड लग रही थी, जैकेट लगा ली वापस हमने, क्या बात बोल क्या रहा था मैं, समझ नहीं आ रही मेरे को खुद। तो चलते हैं अभी, पहुंचने वाले हैं
कुटिंडा भाई, लुक एट द व्यू, ये देखो भाई क्या तगड़ा लग रहा है यहाँ से भाई। ये इसी के लिए हम इतना दूर आए हैं, क्या कहते हो जानू भाई? भाई ठंड बहुत है यार, ये ठंड के मारे मर रहा है यार। अरे भाई भाई बर्फ देखो यार कितना मस्त लग रहा है। एक्चुअल में ना पूरी बर्फ होती तब भी इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बर्फ है और थोड़े थोड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी। है तो काफी लोग पिकनिक करने आए हुए हैं आज, तो हम भी आ चुके हैं। एक्चुअली हमने वो पार देख रहे हो आप, वहाँ जाना है उस रोड पे जो हमने पार दिख रहा है आपको, इधर पीछे बर्फ थी लेकिन वो इतनी हार्ड थी कि हाथ या उंगलियां लग नहीं रही थी उसके अंदर, इतनी हार्ड थी। आगे जाके भाई थोड़ी नरम बर्फ मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो देखो यार बाकी सब छोड़ो, यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, अभी तक यहाँ पे कच्ची रोड थी लेकिन अब ब्लैक टॉप हो चुका है भाई, मजा आ जाता है यहाँ आने का। प्लान तो हमारा आमिर भाई के साथ आने का था लेकिन आमिर आया नहीं, और बाकी सबके साथ था लेकिन वो कहीं और का प्लान बन रहा है उनके जाने का। अब यहाँ पे लगी अपनी गाड़ियाँ और लुक एट द व्यू ब्रो, मतलब देख पा रहे हो आप कितना मस्त लग रहा है ना, ये पहाड़ है इतने मस्त मस्त ना। वो सामने जो मोड़ दिख रहा है वो पदरी का पहाड़ है, मतलब पदरी का लास्ट मोड़ है, वहाँ से पदरी स्टार्ट होता है। ऊपर जो सुनबाई कहता है ना, ये है सबसे बड़ा पहाड़ यहाँ का। और यार मैं क्या बताऊँ, इधर के वर्ड नहीं मेरे पास। ये भाई लोग देखो ठंड के मारे भागे जा रहे हो। और ताहिर भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया यार, बहुत मस्त यार। मैं बर्फ पे चढ़ने जा तो रहा हूँ लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, मतलब आशिक लोग जो होते हैं कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। क्या लिखा है? भारती सानिया ललित। भाई क्या क्या करना क्या चाहते हैं, ये देखो भाई इतने बड़े बड़े आशिकों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। तो अभी ना हम चढ़ेंगे बर्फ पे भाई, मतलब ठंड तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्या करें, चढ़ूंगा तो चढ़ूंगा मैं भाई। कैमरा भी होल्ड करेंगे सिराज, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे नहीं दिखा सकता आपको, तो चलो चलते हैं। कैसा फील हुआ आपको ऊपर जाके? बहुत ठंडा, बहुत ही ज्यादा ठंडा भाई, हाथों में बर्फ, जूते में बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ चले गई है। अरे भाई साहब, तो अभी हम जा रहे हैं भाई बर्फ में मस्ती करने। आपको बताऊं अगर थोड़ा सा भी कोई किसी का पांव फिसला तो भाई वो मिलना क्या, कभी हम उसको ढूंढने भी नहीं जाएंगे खुद ही जानबूझ के। वो हमारे ताबिश भाई देख रहे हो भाई, आ ही नहीं रहे थे इन सब, इनको सबको जबरदस्ती लाया मैंने। क्या लिखा है भाई? एक तो ये आशिक भाई कहाँ से आ जाते हैं, आशिक भाई ये कहाँ से आते हैं भाई? मैं नीचे भी दिखाया यार, अभी सारे आशिक आके अपना नाम लिख रहे हैं। क्या लिखा देखो भाई, क्या मजा आने वाला है ना यहाँ पे भाई। वो देखो क्या करें, तो अभी हम जाएंगे बर्फ में। गए गए गए, वो पकड़ो इसका, वो आइसा थोड़ा सही निशाना लगा दे। बस करो, अरे भाई बहुत बर्फ चली गई पाँव में, मेरे भी चले गए यार। एक्चुअली बर्फ बहुत ज्यादा हार्ड है यार भाई साहब। भाई इतनी ज्यादा ठंड लगी है, पता क्या कर रहे हमने, ये देखो बॉनेट खोला और इंजन में हाथ रखे बैठे सब, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा, हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए भाई बता नहीं सकता, नम हो गए, नीले हो गए, मतलब ये भाई साहब हाथ रख के बोलता है गर्म नहीं है भाई, इतना गर्म है ना ये। एक्चुअली इसका ढक्कन हमने उतार दिया, अभी ढक्कन रखा हुआ पीछे, तो ये देखो व्यू, ये जो सामने आपको दिख रहा है सामने एरिया, यहाँ पे मस्ती कर रहे थे भाई, पिछवाड़ा गीला हो गया पूरा हमारा, पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के हम नीचे आए हैं ये देखो। तो भाई साहब बहुत मजा आया यार, तो काफी ज्यादा मस्ती कर ली, और धूप ना बिल्कुल मुंह पे आ रही है। निकलते हैं यहाँ से वापस अभी, तो क्योंकि यार हम ना हमारा प्लान काफी लेट बना, हम कोई कितने बजे आए थे, 3 बजे हम 3 बजे घर से निकले हैं, और कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ खा के नहीं आए थे, घर वाले कह रहे थे खा लो, अगर खाना खाने बैठते तो भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाता, तो अभी निकलते हैं यहाँ से यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो वापस चलते हैं यहाँ से। चलो चलते हैं हम गाड़ी भाई, क्योंकि मेरी बैटरी भी डेड है होने वाली है, तो चलो देखते हैं कितनी सी बनेगी वीडियो। अरे भाई साहब यहाँ बर्फ देखो कितनी है यार, वो गाड़ी फंस गई भाई,
भाई साहब गाड़ी फंस गई है यार, गाड़ी फंस गई, शिट। और ये गाड़ी एक्चुअली 4x4 नहीं, जिस वजह से काफी ज्यादा बाहर काट, पहले थोड़ा पीछे लेते भाई वरना गाड़ी फंस गई है यार। इस साइड काट, रोड काट, इधर काट, हम रिवर्स गियर लगा के चल रहे, देख रहे हो। धक्का दो, धक्का धक्का दो, धक्का पीछे ला पहले पीछे। अबे बस भाई, ये नहीं होने वाली यार, तुम्हें जोर ही नहीं है, धक्का क्यों नहीं लगा रहे हो? देख रहा अरे भाई, भाई के कपड़े खराब कर दिए। कुछ ऐसी लोकेशन पे फंस गई, देखो भाई यहाँ से मैं एक्चुअली थोड़ा शुक्र करो मैं इधर नहीं ले आया, गाड़ी उधर फंसी, देखो कहाँ पे फंस गई है। तो लगा तो नहीं था इतनी जल्दी गाड़ी फंस जाएगी, क्योंकि स्कॉर्पियो एक्चुअली फिर याद आया भाई ये 4x4 नहीं है, 2x4 है। तो चलो अब कुछ धक्का शक्का देते हैं, और हमारे धक्का देने वाले भी काफी पतले लोग हैं, ये देखो भाई हम बॉडी बिल्डर हैं, ऐसे नहीं वो। मस्ती कर ली यहाँ पे, हम निकलते हैं घर, काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे यार।